हेलो दोस्तों, आज मैंने साउथ इंडियन फ्लेवर के साथ में चना दाल के वड़े बनाए हैं। दोस्तों, इन वड़ों की खास बात यह है कि ये हमने डीप फ्राई नहीं किए हैं, बहुत टेस्टी है। चाय की शाम के साथ में दोस्तों आप इन चना दाल वड़ों को बनाइए, बहुत टेस्टी बने हुए हैं। दोस्तों, कभी भी ब्रेकफास्ट में भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाइए तो आपके बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। दोस्तों, साउथ इंडियन फ्लेवर है, बहुत सारा करी पत्ता है। चना दाल जो है वो हमने दोस्तों 2 घंटे पहले भिगा दी थी। दोस्तों, चना दाल भिगा के 2 घंटे पहले रखने से वो फूल जाएगी और उसी से हम इसको बना लेंगे। 2 घंटे पहले की तैयारी दोस्तों, और वड़े बन के तैयार हो जाएंगे। ये मेरी दाल है, चना दाल, आवश्यकता अनुसार आप ले लीजिए। मैंने 2 कटोरी ली है और 2 घंटे भिगा ली है, फूल चुकी है। इसके लिए दोस्तों अब मैंने एक प्याज है जिसे एकदम बारीक चॉप कर लिया है। मैंने एक मिक्सर का जार लिया, उसमें जो मेरी चना दाल थी उसका पूरा पानी निकाल कर, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, मैंने मिक्सर के जार में डाला। 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट है, बहुत सारा करी पत्ता डाल दिया है। अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, लेकिन अदरक को आप ग्रेट करके डालना है दोस्तों, और हरी मिर्ची को भी छोटा छोटा कट करके डालना है। मिक्सर का जार बंद किया और मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। दोस्तों, दरदरा पीसने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी दाल भी दिखाई दे रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी आधी जो प्याज है वो हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों, आधी प्याज डालने के बाद में अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। मसालों के लिए मैंने स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। दोस्तों, आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर है। काली मिर्च से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और एकदम स्पाइसी लुक और टेस्ट आ जाता है दोस्तों इसका। अब दोस्तों, मैंने इसमें अपनी आधी प्याज मिलाने के बाद में फिर से मिक्सी में ग्राइंड किया तो आप देख सकते हैं इस तरह का जो है दरदरा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। दोस्तों, दरदरा रखना है आपको, एकदम स्मूथ नहीं बनाना है और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसमें 1 चम्मच जो है घर का पिसा हुआ बेसन मैंने डाला है और हाथों की सहायता से एक अपना बैटर जैसा रेडी कर लिया है। दोस्तों, अब मैंने इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं और एक तरफ मैंने अपने पैन में 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया, गैस चालू कर दिया। हमारा जो बैटर था दोस्तों वड़े बनाने के लिए, मैंने उसको रेडी किया है और हाथों की सहायता से छोटे छोटे कटलेट जैसे वड़े बना लिए, आप देख सकते हैं। ज़्यादा मोटे मत बनाइए दोस्तों, क्योंकि ये डीप फ्राई नहीं है, इसलिए थोड़े पतले बनाइए। इस तरह बनाने के बाद में मेरी गैस पर जो मीडियम फ्लेम थी, मीडियम फ्लेम पर तेल भी गर्म हो गया और मैंने एक एक करके अपने वड़े उसमें रख दिए। दोस्तों, ये मीडियम फ्लेम पर ही पकते हैं, कम से कम 7 से 6 मिनट, 6-7 मिनट दोस्तों इसमें लगभग लग जाएगा। जल्दबाजी मत कीजिए वरना ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इस तरह सीखने के बाद में दोस्तों मैंने इसको धीरे से एक पलट के देखा तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। गैस सिम से मीडियम पर रखकर आप इस तरह सभी को सेक लीजिए। एक बार पलटने के बाद में दोस्तों फिर से एक बार पलट सकते हैं। सभी जो हमारे दाल के वड़े हैं उनका कलर बहुत अच्छा आ गया है, बहुत टेस्टी दिखाई दे रहे हैं। एक तोड़कर भी दोस्तों मैंने चेक किया तो अंदर से पक चुका था। गरम गरम सॉल्ट के साथ में, चटनी के साथ में दोस्तों वड़े एकदम तैयार हैं। हरे धनिया पुदीने की चटनी बनाई है मैंने इसके साथ में, चाय के साथ दोस्तों इसको इवनिंग स्नैक में सर्व कीजिए, बहुत अच्छा आइडिया है। आपकी किटी पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। डीप फ्राई नहीं है दोस्तों तो हेल्दी भी है। आप इस तरह बनाएंगे और पानी मत डालिए, जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह अगर आप दाल डालेंगे, पीसेंगे तो एकदम क्रिस्पी, टेस्टी और यम्मी दोस्तों बन के तैयार हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप कोई और तरह के वड़े अगर चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, मैं उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दोस्तों, अगली रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।